अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं अभी खेतों में खड़ा हूँ और पेंडू भरा हूँ, तो भाई खेतों में ही खड़ा हो कि आप लोगों से बात करूँगा। और आज हम लोग बात करेंगे पठान पे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें ये सब्ज़ी है सारी काश्त हुई हुई है, ये सारी जो है ना यहाँ पे सब्ज़ी जो है ना काश्त की गई है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, मैंने पठान फिल्म देखी, चूँकि पाकिस्तान के अंदर पठान फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, बट फिर भी उसका जुगाड़ हो गया था कहीं ना कहीं से। फुल HD जो है ना वो प्रिंट नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो गया था। और मैंने देखी है फिल्म, यार आउटस्टैंडिंग फिल्म है। एक्शन सीक्वेंस और खान साहब को खुद को मेंटेन करना, शाहरुख को खुद को मेंटेन करना, हालांकि 57 की उसकी एज हो चुकी है, बट इस एज में भी खुद को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और कितना स्मार्ट, बड़े बड़े बाल और जिस्म देखा आप लोगों ने, ऐसे सिक्स पैक बने हुए थे यार, कमाल। इसके अलावा सिर्फ दो गाने थे, मिशन बेस्ड फिल्म है। और जो जॉन इब्राहिम है उसकी इसमें जो विलन का किरदार है वो बहुत ज़बरदस्त रहा यार, कमाल कर दिया उस बंदे ने, साबित कर दिया कि वो जितना अच्छा हीरो है उतना अच्छा विलन भी बन सकता है। उसके अलावा दीपिका पादुकोण की बहुत ज़बरदस्त उसमें जो है ना रोल रहा। बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सलमान खान, जो बॉलीवुड के भाई जान है, जो मिड में एंट्री मारते हैं और ट्रेन पे आके शाहरुख खान को बचाते हैं, यार वो जो उनका रोल था ना वो बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा जो एंड वाला सलमान खान का रोल था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो ओवरऑल फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनाई है और उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से उसकी बुकिंग हो चुकी है, एडवांस से बुकिंग हो चुकी है, टिकट सारी जो है वो सेल हो चुकी हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये लाइक बहुत बड़ी मूवी जो है ना वो खुद को साबित करेगी और बहुत बिजनेस कमाएगी। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, दहशतगर्दी पे फिल्म बनाई गई है, बहुत ज़बरदस्त है। और एज ए पाकिस्तानी मैं उसको 10 out of 10 दूंगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है। इवन के शाहरुख खान की 2 साल बाद बॉलीवुड में वापसी हुई है, बट फिल्म बहुत ज़बरदस्त बनाई है और कमाल कर दिया शाहरुख खान ने।